हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। जब आप कोई भी मोबाइल परचेज करके लाते हैं तो उसमें जो लुक होती है वो बाय डिफॉल्ट सेट होती है। आप मोबाइल की डिस्प्ले पे जितनी भी चीजें देखते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेट होती है। यदि आप डिस्प्ले को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर 5 सेटिंग कर लीजिएगा, मोबाइल के अंदर जो लुक होगा वो वाओ फील आपको कराएगा। कैसे करना है, सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है जिसकी वजह से मोबाइल के जो अट्रैक्टिव लुक है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे आप जो सेटिंग आइकन है उस पर आप टैप कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहां पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन को चूज कीजिएगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो है आइकन का। आइकन के ऑप्शन पे आप चूज करेंगे तो यहां पर इस पेज पे ऊपर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहले एक्वामॉर्फिक जो डिजाइन है ओप्पो का वो बाय डिफॉल्ट सेट है, उसको चेंज करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसमें मटेरियल स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, पेबल स्टाइल चूज कर सकते हैं, कस्टम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें भी नीचे आपको 4 डिफरेंट शेप मिलेंगी कि आप अपने अकॉर्डिंग जिस शेप में चाहें उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें प्रीव्यू विंडो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक खास बात और है, यदि आप चाहते हैं एप्लीकेशन का फोरग्राउंड चेंज करना तो आप यहां से उसके आइकन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, नीचे के साथ आइकन की साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। देखिएगा, फुल्ली आइकन साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप बहुत अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो थोड़े से छोटे आप यानी कि मीडियम साइज के आइकन रखिएगा। और यहां पे नीचे ऑप्शन दिया गया है ऐप नेम शो कराने के लिए। यदि आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो ऐप नेम शो हो जाएगा, और यदि आप ऑफ कर देंगे तो ऐप नेम शो नहीं होगा। और ऐप नेम को भी कितना बड़ा आपको शो कराना है वहां नीचे की साइड ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप चूज करके अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले पॉइंट पे अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे, जिसमें आप क्लॉक लगा सकते हैं, बिटमोजी लगा सकते हैं, कैनवास लगा सकते हैं, कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, कोई आप बेबी की पिक्चर है वो लगा सकते हैं, भगवान की मूर्त लगा सकते हैं। आपके अंदर हजारों फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा अभी मैं क्लॉक जो मैंने यूज की हुई है वो यहां पर आ रही है, और इसके अंदर जो नीचे की साइड ऑप्शन आ रहे हैं उसमें भी मैं कलरफुल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। तो जब आप मोबाइल के स्क्रीन को ऑफ करेंगे तो ये कलर आपको दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में करने वाला है कि आप अपने मोबाइल में यदि बैटरी कंजम्पशन कम यूज करना चाह रहे हैं, और दूसरा है कि अपनी आंखों को सेव करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल करें। इस ऑप्शन का नाम है कस्टमाइज्ड डार्क मोड। खाली डार्क मोड नहीं, कस्टमाइज्ड डार्क मोड। कैसे करना है, इसके लिए आप मोबाइल के ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले, इसके अंदर आपको लाइट मोड और डार्क मोड दो देखने के लिए मिलेंगे। आप डार्क मोड को जैसे आप चूज करेंगे मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो ब्लैक हो जाएगी। और यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो शेड्यूलिंग का मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको लाइट मोड चाहिए। या फिर इसमें प्रीसेट ऑप्शन भी मिलता है कि सनसेट टू सनराइज आप चाहते हैं तो वहां से भी आप चूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डार्क मोड सेटिंग। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एनहेंस, मीडियम और जेंटल। तो आपको लगता है कि जिस कलर का आपको एक वाइब्रेंट फील आए तो वो आप चूज कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप वॉलपेपर को भी डार्क मोड में चाहते हैं, या और भी बहुत सारे आइकन को भी वॉलपेपर कलर बैकग्राउंड में आप जो कलर है उसको डार्क मोड चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, जो बैटरी कंजम्पशन को भी कम करेगा साथ ही साथ आपकी आंखों को भी सेव करेगा। 4th नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। करना कैसे है, मोबाइल के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है आपका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहां पे थोड़ा सा अपसाइड करके आप देखिएगा यहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे आप क्लिक कीजिएगा और यहां पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड और हाई। अभी आप मैंने स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है तो यहां पर 60 Hz पे रिफ्रेश रेट रहेगा, लेकिन आप विंडो के अंदर देख सकते हैं कि जो स्मूथनेस आ रही है वो 120 Hz पर आ रही है, तो मैं यहां 120 Hz पर कर देता हूं। लेकिन यदि आपके मोबाइल में डार्क मोड लगा हुआ है या फिर आपके मोबाइल में पावर सेविंग मोड लगा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल 60 Hz पे काम करेगा। और 5th नंबर पर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं वो है आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट अनलॉक के टाइम जो एनिमेशन होता है
उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। करना कैसे है, आप वॉलपेपर इन स्टाइल में आप जाएगा और यहां पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने के लिए मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छा और सुदिंग लगता है। जब आप मोबाइल की लॉक स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट करते हैं तो बहुत ही स्मोकी फील आप करा सकते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक आप ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं, बॉस ले सकते हैं, स्पार्क ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फील मिलेगा। और साथ में देखिएगा यहां पर प्रीव्यू भी है, आप जो भी चूज करेंगे उसका प्रीव्यू भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं और बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो एज लाइटिंग ऑप्शन है उसको आप चूज कर लीजिएगा। एज लाइटिंग चूज करने से क्या होगा, जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि यहां पर देखिएगा 3 कलर अभी आ रहे हैं, 3 कलर के अंदर ब्लू कलर का आप चूज करते हैं तो स्क्रीन की दोनों साइड आपको ब्लू कलर की लाइटिंग दिखाई देगी। कोई आप कॉल मिस करते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा यहां पर रेड आएगा, उसके बाद गोल्डन आएगा। इसको चूज करके आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले उसे अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो कैसी लगी ये 5 सेटिंग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इनको चूज करके आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसे अट्रैक्टिव लुक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।